यूपी के जनपद आगरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी के जनपद आगरा में गरीबों के राशन पर राशन माफियाओं का डाका। कालाबाजारी के लिए सरकारी चावल से लदा ट्रक जरार से हरियाणा के कुरुक्षेत्र ले जाया जा रहा था। इसी दौरान जरार पुलिस की सजगता से पुलिस कर्मियों ने ट्रक को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही खाद्य सप्लाई इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। कस्बा जरार से बड़े पैमाने में हो रही है गरीब वर्ग के राशन की कालाबाजारी। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि कस्बे के कई व्यापारी बड़े पैमाने पर राशन डीलरों से सरकारी चावल खरीदते, उसके बाद कालाबाजारी कर अन्य प्रदेशों में सरकारी चावल को भेज देती है। ट्रक में लदे चावलों को बाहर अन्य प्रदेश में भेजने की कोई भी बिल्टी प्रपत्र प्राप्त नहीं। चावल के खरीद प्रपत्र के ना ही कोई प्रपत्र उनके पास मौजूद थे। कस्बा जरार का ये पूरा मामला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के जनपद आगरा में गरीबों के राशन पर राशन माफियाओं का डाका। कालाबाजारी के लिए सरकारी चावल से लदा ट्रक जरार से हरियाणा के कुरुक्षेत्र भेजा जा रहा था। इसी दौरान जरार पुलिस की सजगता के चलते पुलिस कर्मियों ने ट्रक को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। सूचना मिलते ही सप्लाई इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कस्बा जरार से बड़े पैमाने पर सरकारी राशन की कालाबाजारी की जाती है। सर, एक सरकारी चावल से लदे ट्रक की सूचना मिली है, सर क्या मामला है? 11 बजे थाना एसडीएम साहब के द्वारा सूचना दी गई कि गाड़ी जिसमें चावल रखा गया है उसको जरार पुलिस चौकी पर रोका गया है। यहाँ सूचना के आधार पर मैं यहाँ पहुँचे, उसको देखे जिसमें प्लास्टिक की बोरियों में हाथ की सिलाइयों पर चावल रखा गया है। ड्राइवर जो है ये बता रहा है, यहाँ पर मौके पर ड्राइवर मिला, इसके पास अपने स्क्योर कागज़ हैं और खाली गाड़ी के कागज़ हैं। ये बता रहा है हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और जरार से कहीं से माल लूट दिया है। बाकी इसकी भी जाँच की जा रही है, आगे जो भी होगा आपको बताया। सर, लगभग कितना माल होगा? अनुमान नहीं लगा सकते, वजन कराने के बाद इसको हम बताएंगे ट्रक में कितना माल है। सर, चावल बाहर भेजा जा रहा था, क्या उसके कोई प्रपत्र मौजूद थे? अभी फिलहाल कोई सामने नहीं आया है, अभी देखते हैं क्या होता है। फोन गया था उनके पास, कुछ कागज़ हैं।